चाइनीज मांझे में फंसी कौवे की जान को पूर्व पार्षद मनोज महलाउत ने रेस्क्यू करके कौवे की जान बचाई। जी हाँ, चाइनीज मांझे से इंसान तो इंसान पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आते हैं। और देखिए किस तरीके से तस्वीर हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं कि वसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलाउत किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर यहाँ पर कौवे की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब ये वीडियो सामने आया, वायरल वीडियो, उसके बाद हमने पड़ताल करी तो पता चला कि मनोज महलाउत पिछले कई सालों से, चाहे वो बेजुबान जानवर हो या पक्षी हो, उनके देखभाल करते आ रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो 15 अगस्त के बाद की अगर तस्वीरें देखी जाए तो उसके बाद कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मांझे में फंसे हुए कबूतर हो या पक्षी, वैसी तस्वीर अभी फिर से वीडियो जो वायरल हो रहा है। वहीं अगर पिछले साल की वीडियो की बात किया जाए तो पिछले साल का भी एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर रेड लाइट पर किस तरीके से, वसंत कुंज की एक रेड लाइट पर ही जो है वहाँ पर कबूतर किस तरीके से मांझे में फंसा था। तो एक टेम्पो पर चढ़कर मनोज महलाउत किस तरीके से उसको निकालते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कबूतर को रेस्क्यू कराया गया। वहीं पशु पक्षियों की बात की जाए तो उनके खाने पीने की बात करी जाए, चाहे उनकी देखभाल की बात की जाए, लगातार मनोज महलाउत ये करते आ रहे हैं। ये वीडियो हमने अलग अलग साइडों से निकाला कि किस तरीके से मनोज महलाउत का जो रुझान है, इंसान तो इंसान, जानवर और पक्षियों के पीछे किस तरीके से उनका रुझान है, उसकी जीती जाती तस्वीर हम यहाँ दिखा रहे हैं कि मनोज महलाउत किस तरीके से निस्वार्थ होकर, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी की सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे कुत्तों को खाना खिलाना हो या पक्षियों की जान बचानी हो, हर जगह पर मनोज महलाउत अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मनोज महलाउत, आपको बता दें, वसंत कुंज वार्ड 69S के पूर्व निगम पार्षद हैं और लगातार उनका प्रयास रहता है कि समाज के हितों का काम किया जाए। और वही देखिए कि ये जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पर कावेरी, क्योंकि वसंत कुंज D6 कावेरी अपार्टमेंट में एक पेड़ के अंदर मांझे में कौवा फंस गया, उसके बाद कौवे की किस तरीके से जो जान है वो यहाँ पर बचाई गई, वो हम आपको दिखाते हैं। लगातार चाइनीज मांझे का विरोध किया गया, प्रशासन ने कई सारी मुहिम चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज मांझों पर भारत के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लग पाया और इसी वजह से इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। यहाँ देखिए, जब कौवा उतारा गया उसके बाद किस तरीके से उसको यहाँ पर मांझे से निकाला गया और उसके बाद फिर उसको उड़ाया गया। जी हाँ, जाहिर सी बात है, इंसान या बेजुबान हर किसी की जान बचाने में अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं। वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलाउत, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर कौवे की जो जान है वो बचाई गई। जाहिर सी बात है कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरीके की मानसिकता जो है मनोज महलाउत रखते हैं। समाज के हर पीढ़ी के हर लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए कि किस तरीके से इंसान हो या जानवर, उनकी किस तरीके से जान बचानी चाहिए, उनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, इसकी मिसाल ये कायम करता है ये वीडियो। साक्षात इस वीडियो को आप देखिए। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि आज फिर से एक हमारा पक्षी एक चाइनीज मांझे में फंसा हुआ था इस बड़े पेड़ के ऊपर, और हमने अपने सुरक्षाकर्मी के साथ मिलकर, अपने मित्रों के साथ मिलकर उसकी ना सिर्फ जान बचाई बल्कि उसको आज़ाद भी किया और वो अब अपनी खुली हवा में सांस ले रहा है। जैसा कि हम आपसे हमेशा निवेदन करते रहे हैं कि चाइनीज मांझे का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ना किसी को करने दें। ये चाइनीज मांझा ना सिर्फ पशु पक्षियों के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी घातक और जानलेवा हो गया। हर साल इससे कितने ही लोगों की जान जाती है, कितने पक्षी इसमें लटक कर फंस कर मर जाते हैं और हर तरीके से इसके दुष्परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है आपके माध्यम से कि इस चाइनीज मांझे का बिल्कुल बहिष्कार करें और ना उपयोग करें, ना किसी को करने दें। जय हिंद, जय भारत।